हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल टेक्नो मास्टर जी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है सैमसंग A7 का FRP अनलॉक कैसे ओपन करें। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे YouTube में वीडियो देखे, हर वीडियो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं सारे प्रॉब्लम को फेस करके ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया हूँ। तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल्व तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई के थ्रू हेल्प कर दूंगा, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कॉल मी 4 ऐप से 5 रुपीज़ पे करके, बट आपको इंस्टॉल करते ही 10 रुपीज़ मिल जाएगा। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली फ़ोन में मैं वाईफाई कनेक्ट कर लिया हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो दोस्तों सिंपली नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा, उसके बाद एक पेज में आ जाएगा जो कि है जीमेल आईडी लॉगिन पेज। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्किप का ऑप्शन नहीं आया, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली एक सिम को एंटर करना पड़ेगा, बट वाईफाई कनेक्शन लेना ज़रूरी है। फर्स्ट में वाईफाई कनेक्शन लिया, ये सिम एंटर कर दिया, तो यहाँ पर देखिए फ़ोन में नेटवर्क भी आ चुका है। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, सिंपली बैक कर देना है और होम पेज में जाना है। ये देखिए स्टार्ट वाले पेज पे जाना है और दूसरे फ़ोन को ओपन करना है। तो दोस्तों दूसरा फ़ोन लेना है और आपको क्रोम या फिर कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, और वहाँ पे आपको टाइप करना है FRPFile.com /bypass, तो जो कि दोस्तों आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, बस वही एंटर करना है और सर्च करना है। ये देखिए दोस्तों, ये मैं सर्च करता हूँ, सर्च कर दिया तो आपको एक पेज ओपन होगा बाईपास गूगल अकाउंट का। तो आपको सबसे फर्स्ट में मिलेगा FRP ऑल सैमसंग ऐप, उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ओके करना है, फिर स्टार्टिंग डाउनलोड हो गया, उसके डाउनलोड होते ही आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे डन करना है, इसे कैंसिल कर लीजिए, इसे आप यस कर लीजिए, डन कर लीजिए, फिर यहाँ पर कैंसिल या फिर ओके कर सकते हैं। और सिंपली दोस्तों फ़ोन को बैक करना है, आपका इंस्टॉल हो गया तो फिर फ़ोन पे ही आ जाएगा। तो ये ऐप्स को ओपन करना है डायरेक्टली। तो दोस्तों ऐप्स को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ओके कर देते हैं, फिर ओके का ऑप्शन आया, ओके, फिर यहाँ पे स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, जो सिम इंसर्ट किए थे सैमसंग A7 फ़ोन में वो नंबर आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर मैं इंटर कर दिया, और डाउन में आपको जो पैनल है वहाँ पर आपको YouTube.com टाइप करके यहाँ पे सेंड कमांड कर देना है। तो सेंड कमांड किए तो यहाँ पे स्टार्ट का फिर से आया, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली बैक जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डायरेक्टली बैक करता हूँ, और आपको टेक्स्ट मैसेज ओपन कर लेना है, जो टेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे देखिए टेक्स्ट मैसेज है, इसे ओपन कीजिए, और यहाँ पर आपको एक लिंक मैं डिस्प्ले शो कर रहा हूँ, वो लिंक यहाँ पर टाइप करके आप उस नंबर पर सेंड कर दीजिए जो नंबर आप इंसर्ट किए हैं सैमसंग A7 में। तो ये देखिए http://youtube.com, आपको उसी नंबर पे सेंड कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सेंड कर दिया। तो सेंड करते ही आपको यहाँ पे देखिए पुश मैसेज का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको दोस्तों सिर्फ ओके करना है। ये देखिए ओके किया तो यहाँ मेरा YouTube ओपन हो गया। तो दोस्तों दूसरा फ़ोन का बस यही काम था, तो अब ये काम हो चुका है, तो दूसरा फ़ोन को आप करते हैं साइड, और मेरा YouTube ओपन हो गया है। तो अब अपर साइड में आपको एक प्रोफाइल का आइकन मिल रहा है, उस प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी में जाना है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पर नो थैंक्स। तो यहाँ पर देखिए ऊपर फिर आपको एक लिंक प्रेस करना है, तो वो लिंक मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूँ, वो लिंक आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट मैं अपना लिंक को एंटर कर दिया हूँ, यहाँ पे गो कर दिया हूँ। तो अब कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा, आपका फिर से वही पेज ओपन हो जाएगा, तो बाईपास गूगल अकाउंट वाले। तो फिर आपको यहाँ पे रुकिए दोस्तों, थोड़ा ट्राइपॉड मेरे को ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब सिंपल है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक गूगल अकाउंट मैनेजर एंड्रॉयड 8 APK है, उसे आपको टैप करना है और कंटिन्यू करना है, फिर अलाउ कर देना है, और यहाँ पे ओके। तो ये इंस्टॉल होगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखिए ओपन का सिंबल आ गया, तो इसका मतलब मेरा इंस्टॉल हो चुका है। तो सेटिंग में जाना है, फिर अननोन सोर्स को ऑन कर देना है। तो अननोन सोर्स को ऑन कर दिया, तो डाउनलोड हो चुका है मेरा, तो अब इसे इंस्टॉल करना है।
यहाँ पे सिंपली बैक करना है, बैक करके यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। तो ये दोस्तों मेरा इंस्टॉल हो रहा है, अब कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे डन का ऑप्शन आ गया है, तो मैं यहाँ पे डन के ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको बाईपास FRP 1.0 APK है, उसे डाउनलोड करना है, ओके प्रेस करना है, फिर इसे ओपन कर देना है, ओपन करके इंस्टॉल कर देना है। तो ये दोस्तों इंस्टॉल हो रहा है, आपको कुछ सेकंड वेट करते ही ओपन का ऑप्शन आएगा। तो अब यहाँ पे सिंपली ओपन करना है और अपन में 3 डॉट है उसे प्रेस करके ब्राउज़र साइन इन कर लेना है, फिर ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको जो भी जीमेल आईडी पासवर्ड याद है आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो मेरा अपना जीमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये मैं अपना जीमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करना है और अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो सॉरी दोस्तों मैं अपना पासवर्ड आप लोग को नहीं दिखा सकता इसलिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना पासवर्ड को एंटर कर लिया हूँ और साइन इन कर लिया हूँ। तो साइन इन करते ही आपको कुछ सेकेंड के बाद आपको फिर से वही पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है और फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है। तो ये देखिए रिस्टार्ट मैंने कर दिया। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड टाइम लगेगा फ़ोन को रिबूट होने में। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल में न्यू है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाएँ ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों फ़ोन रिबूट होने के बाद आपका जो जीमेल आईडी जहाँ मांग रहा था, जहाँ पे एंटर करने बोल रहा था जीमेल आईडी, वहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली स्किप करके अपने फ़ोन को आराम से यूज़ कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ फ़ोन ऑन होने का। तो यहाँ देखिए ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज है और यूनाइटेड स्टेट है, तो ये ठीक है, मैं स्टार्ट क्लिक किया। और यहाँ पर आपको फिर से वाईफाई कनेक्शन ले लेना है या फिर आपका कनेक्ट होगा तो और अच्छा बात है। तो एग्री करना है, फिर यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है, चेकिंग फॉर अपडेट्स जस्ट अ सेकंड, यहाँ नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे और कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा दोस्तों, ये देखिए जस्ट अ सेकंड, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए नो थैंक यू है, नो थैंक यू में क्लिक कर दीजिए और गिव परमिशन में कर दीजिए और मोर में क्लिक कर दीजिए, एग्री कर दीजिए। तो ये एग्री हो गया है। तो यहाँ पे अब दोस्तों जीमेल आईडी वाला पेज खुल जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स ये मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों कांट रिस्टोर ओके कर देता हूँ, यहाँ पर अपडेटिंग, तो यहाँ पर देखिए फिर स्क्रीन को अप करना है ओके। फिर यहाँ पर एक पेज ओपन होगा शायद, एडिंग फिनिशिंग टचेस। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ सेकंड वेट करते हैं, ये देखिए प्रोसेसिंग, साइन इन, फिर स्क्रीन को अप कीजिए, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ गया, फिर स्किप कर देना है, ये फिनिश कर देना है। तो ऑल डन यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट फ़ोन का सेटिंग कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे देखिए डन का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर डन करना है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं डाउन में डन कर दिए। तो यहाँ पर फिर कंटिन्यू, यहाँ पर भी स्किप कर देना है, देखिए स्किप कर दिया। तो यहाँ पे कुछ ऐप्स इंस्टॉल करने बता रहा है, तो यहाँ पे आप अनटिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ ऐप्स हैं जो जो चाहिए आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ये देखिए कंटिन्यू कर देता हूँ, फिर यहाँ पे अनटिक कर दीजिए तो इंस्टॉल आपका नहीं होगा, अगर अनटिक रहेगा तो इंस्टॉल नहीं होगा, यहाँ पर फिनिश। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हैं मेरा फ़ोन प्रॉपरली ऑन हो चुका है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो क्रिएटिव कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सारा का सारा आंसर दूंगा। और दोस्तों कॉल पे बात करना है तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं कॉल मी फॉर ऐप से, मैं वहाँ पर भी इवनिंग में 5 to 10 मैं आपको मिल जाऊँगा ओके। यहाँ पे दोस्तों और एक चीज़ बता दूँ कि आप जो जीमेल आईडी लॉगिन किए थे आप उसे रिमूव करना चाहते हो तो सेटिंग में जाइए, सेटिंग में आपको क्लाउड एंड अकाउंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, बस उसे ओपन कीजिए और यहाँ पे अकाउंट्स है तो उस अकाउंट्स पे क्लिक कीजिए, आपका जीमेल आईडी आ गया तो उस जीमेल आईडी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे रिमूव अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है डाउन में, तो रिमूव अकाउंट कर दीजिए। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद। We'll be right back.